जी, हम लोगों ने अभी तक जो है वो नेटवर्क्स की बात की थी। उसके हम लोगों ने जो है वो मुख्य टाइप्स देखी थी नेटवर्क की। हम लोगों ने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज देखी थी और उसके अलावा हम लोगों ने जो है वो ये देखा था कि नेटवर्क हम लोग जो है वो किस तरह डिफरेंट सोर्सेज से जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक ओवरऑल हमें पिक्चर जो है वो मिल गई है कि नेटवर्क्स हमारे पास क्या होते हैं, नोड्स क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं। तो अब जो आज का जो सेशन है, इट वुड बी अबाउट टाइज। ठीक है, जो हमारे पास एजेस जो होते हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जो है वो बात करेंगे, क्यों वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उससे रिलेटेड मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम लोग आज जो है वो डिस्कस करेंगे। एक रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, मार्क ड्रेनोवेटर। उन्होंने जो है वो एक रिसर्च की जिसके अंदर वो ये देखना चाह रहे थे कि लोगों को जॉब्स कैसे मिलती हैं। तो उन्होंने क्या किया, बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया उस चीज़ के लिए। तो उन्होंने ये बेसिकली देखना था कि आपके जो जानने वाले होते हैं उनसे आपको कोई फ़ायदा होता है। तो ये एक थी चीज़ के आपके अगर कोई जानने वाले हैं तो उनके थ्रू हो सकता है आपको किसी जॉब का जो है वो पता लग जाए। तो उसके अंदर उन्होंने दो लोगों को डिस्कस किया कि मैं अगर जॉब को ढूंढ रहा हूँ तो मुझे कौन से लोग ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं, या मेरे लिए कौन से लोग ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं वो मेरे लिए जॉब ढूंढने में हेल्पफुल हो सकते हैं, या फिर जो मेरे सिर्फ जानने वाले हैं, मतलब जिनसे बस सलाम दुआ है, कोई गपशप नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई फ्रेंकनेस नहीं है, बस मतलब सिर्फ जानने वाले हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं कि आपके ख्याल में कौन से लोग ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं जॉब ढूंढने के लिए, नई जॉब्स के बारे में पता करने के लिए, ढूंढने के लिए कौन से लोग ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं? क्लोज फ्रेंड्स क्यों? सर, जो लोग पहले उस फील्ड में हैं वो आपको ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। चाहे वो क्लोज फ्रेंड हो या ना हो। ना, जैसे हम अगर हमारी फील्ड की कोई हम ढूंढना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हम किसी ऐसे बंदे से रब्ता करेंगे जो पहले इस फील्ड में है, ताकि उसको पता हो कि कहाँ कहाँ किस सॉफ्ट क्लासेस में है, मार्केट में कहाँ कहाँ लोगों की जरूरत है, तो वो हमें ज्यादा अच्छा गाइड कर सकेगा। या क्लोज फ्रेंड जो कि हमारी फील्ड का ही नहीं है और हमें वो पता नहीं कुछ भी इस चीज़ के बारे में जानता नहीं है, तो क्या क्या गाइड करेगा हमें इस वाले से? ठीक है, वेरी गुड। तो इसके अंदर खैर ये एक और हमारे पास डायमेंशन है कि इसके अंदर तो खैर अगर हम लोग किसी बंदे को ढूंढ रहे हो सकता है हम लोग उसको जानते भी ना हो, राइट? हम लोग किसी रेफरेंस के थ्रू उस तक पहुंचे और फिर जो है वो उससे हम लोग डिस्कस करेंगे जी हमें इस फील्ड के अंदर बताएं कहाँ कहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं और इस तरह। तो चले उस बंदे तक जो है वो हमें पहुँचने में कौन हेल्प करेगा, ज़्यादा हमारे क्लोज फ्रेंड्स हेल्प करेंगे ऐसा बंदा ढूंढने में, या जो सिर्फ जानने वाले हैं वो ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे? क्लोज फ्रेंड्स करेंगे। अच्छा, नेचुरल सी एक चीज़ है कि हमारे जी एक और भी पॉइंट था कोई। सर, इसमें एक ही डायमेंशन भी हो सकती है कि जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनमें एक ही तरह की इंफॉर्मेशन नॉर्मली होती है उस एक ग्रुप के अंदर, तो नई इंफॉर्मेशन नॉर्मली बाहर से आया करती है, तो जो जानने वाला है उसकी तरफ से इंफॉर्मेशन आ सकती है। ठीक है, तो ये इरफान ये चीज़ आपने कहीं पढ़ी थी, आपका अपना अपनी सर, आपकी वो है? बुक में पढ़ा था। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड। अच्छा, तो ये जिस तरह इरफान ने कहा ये बिल्कुल ठीक बात है। जब ये मार्क ग्रेनोवेटर ने रिसर्च की तो ही व्हेन ही इंटरव्यू पीपल टू तो ही केम टू नो दैट जो लोगों को ज़्यादातर जो जॉब्स मिली हैं वो उनके क्लोज फ्रेंड्स की वजह से नहीं मिली, वो उनके जो सिर्फ जानने वाले थे उनकी वजह से जो है वो मिली है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग किस तरह एक नेटवर्क के पर्सपेक्टिव में हम लोग इसको किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं? देखें, जब हम लोग रिलेशंस की बात करते हैं हमारे जानने वाले हैं, ठीक है, तो एक जो हमारे पास रिलेशन है वो ये कि इंटरपर्सनल है कि हम लोग डायरेक्टली जो है वो किसी बंदे को जानते हैं, ठीक
ठीक है, तो वो हमारे काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं. लेकिन जब हम लोग उन फर्स्ट रिलेशनशिप्स के बियॉन्ड चले जाते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं और उनके जो फ्रेंड्स हैं जो जिनको हम नहीं जानते, तो वो काइंड ऑफ और फिर उनके जो फ्रेंड्स हैं वो फिर हमारे पास काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चरल परस्पेक्टिव जो है वो बन जाता है. ठीक है, तो जो हमारे पास जॉब के बारे में मालूम होना कि एक ओपनिंग है किसी जगह पे, या हमारे पास जो है वो फलाने सॉफ्टवेयर हाउस को जो है वो ये एक बंदा चाहिए, अब वो चीज़ एक तो ये कि हम अपने डायरेक्टली क्लोज फ्रेंड से मिले. ऑफकोर्स अगर कोई क्लोज फ्रेंड जो है वो उसे उस चीज़ का पता होगा तो हमें बताएगा, उसे पता होगा कि मैं जो हूँ जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो वो मेरी डेफिनेटली इस चीज़ में जो है वो हेल्प करेगा. ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे कि हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं और उनके जो जानने वाले हैं उन्हें हम लोग डायरेक्टली भी जानते हैं, राइट? तो अब मेरे जो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं जिनके साथ मेरा रोज़ का उठना बैठना है, गपशप है, तो उसके जो आगे जानने वाले हैं उनको मैं भी जानता हूँ, और मेरे जो आगे जानने वाले हैं जिनसे उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो उसको वो भी जानते हैं. तो हमारे जो सोर्सेज होते हैं वो काइंड ऑफ सेम होते हैं. तो अगर मेरे दोस्त को कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इट इज़ वेरी लाइकली कि वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मुझे भी मिल जाएगी. ठीक है, तो इस वजह से जो नई इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए हमारे पास इंटरपर्सनल रिलेशन से ज़्यादा हमारे पास जो एक बिगर पिक्चर जो बनती है, एक स्ट्रक्चरल जो हमारे पास रिलेशंस बनती हैं वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, तो इसके अंदर ये था कि जो फाइंडिंग थी रिसर्च की वो ये थी कि जो हमारे पास जस्ट एक्वेंटेंसेस जो होते हैं, जो सिर्फ जानने वाले होते हैं, उनके थ्रू जो है वो हमें लोगों को जो है वो ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो मिली हैं. और आइडिया यही है कि जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज हमारे, हमें भी उन सोर्सेज का पता होता है. ठीक है, तो अगर उन्हें कोई चीज़ पता लगती है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो चीज़ हमें भी पता चल जाती है. ठीक है, तो इस वजह से इस चीज़ को हम लोग एक कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइडिक क्लोजर. ठीक है, ट्राइडिक क्लोजर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास फ़र्ज करें दो लोग हैं बी और सी, ठीक है, तो और इन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है ए. ठीक है, मतलब बी का ए बहुत अच्छा दोस्त है, सी का ए बहुत अच्छा दोस्त है, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि बी और सी जो है वो भी आपस में, उनका भी मतलब दे माइट नॉट बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स बट एटलीस्ट दे वुड कम टू नो ईच अदर. ठीक है, तो उनका भी हमारे पास एक रिलेशन जो है वो हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाएगा. तो इसको एक एक हमारे पास अगर आप देखें तो ये जो सोशल नेटवर्क्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास ये जो ट्राइंगल्स होते हैं ये मेनली हमारे पास इसी वजह से ही होते हैं. अगर आप ये देखें तो हमारे पास जो है ये बी और सी जो है ये हमारे पास अब एक ट्राइंगल सा बन गया है. क्यों बन गया ये हमारे पास? क्योंकि ए और बी अच्छे फ्रेंड्स थे, सी और ए अच्छे फ्रेंड्स थे, तो ए के थ्रू जो है वो बी और सी आपस में एक दूसरे को जानना शुरू हो गया. आप अपने अगर रिलेशंस के अंदर देखें तो आप यू वुड सी के आपके बहुत से जो नए जानने वाले हैं वो इस तरह बने हैं कि कोई कॉमन फ्रेंड था, कि उसका जो है आप भी एक बंदे को जानते थे, एक दूसरा बंदा भी उस बंदे को जानता था, तो आपका और उस दूसरे बंदे का जो है वो आपके पास कॉमन फ्रेंड की वजह से जो है वो एक रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश हो गया. तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं, इसको सोशल नेटवर्क एनालिसिस के अंदर इसके लिए जो टर्म यूज होती है उसको हम लोग कहते हैं ट्राइडिक क्लोजर. तो यहाँ पे आपके पास इस तरह बी और सी के अंदर एक एक ट्राइडिक क्लोजर जो है इट हैज फॉर्म. आपके ख्याल में और कहाँ कहाँ पे बन सकता है? ई और डी के, जी और एफ की जगह सर. ई और डी में बन सकता है, जी और एफ में बन सकता है. तो हमारे पास बहुत से जो है ट्राइडिक क्लोजर्स हैं वो बन सकते हैं जैसे जी और एफ, ई और डी. जरूरी नहीं है कि हर ट्राइडिक क्लोजर हमारे पास जो है फॉर्म करे, जिस तरह एफ और ए है ये अब हमारे पास नहीं बना. तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास अगर कोई एक कॉमन फ्रेंड अब जिस तरह एफ और ए है इसके अंदर ट्राइडिक क्लोजर बनना इज वेरी हाईली लाइकली. क्यों? क्योंकि इनके बी भी कॉमन फ्रेंड है और ई जो है वो भी कॉमन फ्रेंड है. बट मे बी मतलब देर इज अ चांस के एफ और ए जो है वो आपस में एक दूसरे से कभी इंटरेक्ट नहीं कर पाते या उनके दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग या वीक रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता. तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर ट्राइडिक क्लोजर जो है फॉर्म हो के रहेगा. ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास सोशल सिस्टम है
जो लोगों की रिलेशंस हैं वो किसी थ्योरी की बेस पे नहीं चल रही होती। हाँ, जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस होती हैं उनकी बेस पे हम लोग थ्योरीज बना सकते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि एक थ्योरी है तो उसकी बेस पे हमारे पास रिलेशंस होंगे। और इसी तरह हमारे पास ऐसे भी एजेस फॉर्म हो जाते हैं जिनके अंदर कोई कॉमन नेबर नहीं होता, ठीक है। अब जिस तरह जी और डी के अंदर आप देखें कोई भी कॉमन नेबर नहीं है, जी के नेबर सॉरी डी के जो नेबर्स हैं ए ई सी है, और जी के जो नेबर्स हैं वो हमारे पास नए नेबर्स इंक्लूड करके एफ और बी हैं, लेकिन इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन स्टिल मतलब देर इज एन एच बिटवीन जी एंड डी ना। तो इस तरह भी होता है कि हमारे पास रिलेशन जो हैं वो ट्राइडिक्लोयर पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे रिलेशन बनने की, और रिलेशन ना बने इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, और ये भी पॉसिबल है क्योंकि कॉमन नेबर ना हो फिर भी रिलेशन बन जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह होता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास केसेस होते हैं वो हमें ये ट्राइडिक्लोयर के मिलेंगे कि हमारे पास जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं उसकी वजह से हमारे पास जो है वो रिलेशन बनते हैं। और हम लोग इसे देखेंगे मल्टीपल ओकेजन पे कि हमारे पास सोशल नेटवर्क एनालिसिस की एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर अगर आप कोई भी सोशल नेटवर्क ले लो रियल लाइफ में जिसके अंदर ह्यूमन आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको ट्राइंगल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ट्राइंगल्स मिलेंगे। तो ये दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ दिस ट्राइडिक्लोयर प्रॉपर्टी। अब ट्राइडिक्लोयर की हमारे पास रीजंस क्या होती हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अब हमारे पास जो है वो ये ए बी और सी हमारे पास जो है वो तीन लोग हैं, ठीक है। अब ए की वजह से बी और सी को जो है वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिल गई जो पहले उनके काइंड ऑफ नहीं था, एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी एक दूसरे से मिलने का, तो अब जो है वो ए की वजह से जो है इन दोनों को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास एक ट्रस्ट होता है कि बी और सी अगर फर्ज करें ए यहाँ पे नहीं है तो बी और सी में भी इफ़ दे हैव टू डील विद ईच अदर दे माइट नॉट डील विद ईच अदर जस्ट बिकॉज दे माइट नॉट ट्रस्ट ईच अदर ना। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आपका कोई जानने वाला है ए, ठीक है, और सी का भी कोई जानने वाला है ए, सी और बी दोनों जो है वो ए पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो देयर वुड बी एन इम्प्लिसिट ट्रस्ट कि बी और सी के अंदर भी जो है वो हमारे पास एक ट्रस्ट जो है वो आ जाएगा। और फिर हमारे पास जो है वो इंसेंटिव भी होता है कि हो सकता है कि अब हमारे पास बी और सी जो है वो अगर मिले तो वो कोई अपॉर्चुनिटी कोई उससे जो है वो फ़ायदा जो है वो एक्वायर कर सकें, ठीक है जी। ट्राइडिक्लोयर की हमें समझ आ गई। तो ट्राइडिक्लोयर जो होता है वो हमारे पास जो रिलेशंस को जो है वो हमारे पास इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। मतलब जो मिसिंग रिलेशंस होते हैं उन्हें हम लोग ट्राइडिक्लोयर के थ्रू ओवर टाइम जो है वो हमारे पास फिल हो जाते हैं, तो हमारे पास ट्राइंगल्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास जो है वो इसका जो ट्राइडिक्लोयर है वो हमारे पास एक आप कह लें कि एक एक नोड्स के आपस में लोगों के आपस में जुड़ने की एक वजह है ट्राइडिक्लोयर, ठीक है। इसका एक ऑपोजिट हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग ब्रिज कहते हैं। ब्रिज जो होता है वो बेसिकली एक वजह होती है कि लोग जो है वो काइंड ऑफ अलहदा हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रिज हमारे पास इट एंड्स अप इनटू मतलब एक डिसजॉइंट कंपोनेंट्स, लेकिन हमारे पास जिस तरह ट्राइंगल्स जो होते हैं वो हमारे पास स्ट्रेंथ को शो करते हैं, रिलेशंस को शो करते हैं, इसी तरह ब्रिजेस जो होते हैं वो हमारे पास उन वीक पॉइंट्स को शो करते हैं या उन वीक रिलेशंस को शो करते हैं जहाँ पे हमारे पास जो है वो दो नोड्स के बीच में कोई कॉमन नेबर नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास जो है उनके दरमियान रिलेशन है लेकिन उन दोनों के दरमियान में कोई कॉमन नेबर नहीं है, तो उसको हम लोग एक ब्रिज कहेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसे फॉर्मली देखें तो एक ब्रिज क्या होता है, ये हमारे पास एक नेटवर्क के डिफरेंट कंपोनेंट्स को ज्वाइन करता है। इससे मोर ज़्यादा प्रिसाइसली अगर हम लोग डिस्क्राइब करें तो हम लोग ये कह सकते हैं, इसको दो हम लोग उसमें लेके जा सकते हैं, एक हमारे पास ब्रिज हो गया और एक लोकल ब्रिज हो गया। ब्रिज जो है या ग्लोबल ब्रिज हम लोग इसको नहीं कहते, सिर्फ ब्रिज कहते हैं। जब हम लोग ब्रिज कहते हैं तो फॉर्मली इसके अंदर क्या है कि दो नोड्स हैं हमारे पास ए और बी। अगर हम लोग ये कहें कि हमारे पास एन ऑफ ए जो है वो ए के नेबर्स हैं, ठीक है, एंड एन ऑफ बी जो है वो बी के नेबर्स हैं, तो एक ब्रिज के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो ए के नेबर्स हैं, सॉरी दिस वुड बी इन लोकल ब्रिज, ब्रिज में ये होगा हमारे पास कि जो हमारे पास ए और बी है जो ब्रिज है, अगर उस ब्रिज को हम लोग निकाल दें
तो हमारे पास नेटवर्क जो है वो दो डिसजॉइंट कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगा. इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ब्रिज. ठीक है, तो ब्रिज से हमारे पास क्या होगा कि जब भी हम लोग ब्रिज को रिमूव करेंगे तो नेटवर्क जो है वो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें ए और बी हमारे पास इनके दरमियान में जो एज है ये हमारे पास एक ब्रिज है, इसको अगर हम लोग निकाल देंगे तो हमारे पास ए वाले कंपोनेंट्स हम लोग बी वाली साइड पे नहीं जा सकते, बी वाली साइड से हम लोग ए वाली साइड पे नहीं जा सकते. ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है और आप देखेंगे कि आपको रियल लाइफ के अंदर ब्रिजेस जो हैं वो नहीं मिलेंगे रियल लाइफ सोशल नेटवर्क्स में. इट इज़ वेरी अनलाइकली कि आपके पास जो है वो ब्रिजेस एग्जिस्ट करेंगे. क्यों इस तरह अनलाइकली है कोई बताएगा? क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही जगह से हम लिंक बिल्कुल इंटरनेट पर बहुत सकते हैं सर. हाँ जी, अब रिपीट करेंगे सर, हमारे पास अल्टरनेट्स पास बहुत से होते हैं. अगर फर्स्ट लेग कनेक्शन कट भी जाए, अगर एक रिश्तेदार खत्म भी हो जाए तो बाकी बहुत. हाँ, तो रियल लाइफ में हमारे पास इस तरह होगा, अगर ए और बी हमारे पास कनेक्टेड है तो मोस्ट लाइकली हमारे पास डी और ये जो हमारे पास नोड है, लेट्स से हमारे पास जी जो है वो ये एक नोड है. तो अब हमारे पास ये भी चांस है कि हमारे पास डी और जी जो है वो हमारे पास आपस में कनेक्टेड हो. ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं अगर ए और बी का एच जो है वो रिमूव हो जाता है तो हमारे पास ये दो कंपोनेंट्स कनेक्टेड रहेंगे या नहीं? नहीं सर, रहेंगे ना. मतलब अगर आपने ए से बी तक पहुंचना है, डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन आप ए से डी, डी से जी, जी से बी तक पहुंच सकते हैं ना, तो आपके पास कंपोनेंट्स तो कनेक्टेड रहे, राइट? तो आपके पास जो है वो कनेक्टेड कंपोनेंट. हाँ, ब्रिज के लिए, ब्रिज के होने के लिए ये प्रॉपर्टी ये जरूरी है हमारे पास. हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास एक ब्रिज कौन सा है कि एक ब्रिज को अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो हमारे पास दो डिसजॉइंट कंपोनेंट्स बन जाए. अब अगर ए और बी को रिमूव करते हैं तो ना आप ए से बी पे जा सकते हैं, ना बी से ए पे जा सकते हैं, ना डी से आप इस वाली साइड पे जा सकते हैं, और ना बी वाले कंपोनेंट में से किसी भी नोड से आप ए वाले कंपोनेंट के किसी भी नोड तक पहुँच सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रिज है. ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ में हमें ये बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं मिलता. तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि इस डेफिनेशन को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और हम लोग ये कहते हैं एक लोकल ब्रिज का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं. लोकल ब्रिज के अंदर हमारे पास ये होता है कि दो नोड्स ए और बी, अगर उनके दरमियान में एक ब्रिज बन रहा है, सॉरी ब्रिज नहीं बन रहा, उनके दरमियान में एक एच है, और ए और बी का अगर कोई कॉमन नेबर नहीं है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि ए और बी जो है वो एक लोकल ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, वो जिस तरह हम लोग लास्ट स्लाइड के ऊपर जो वो लिख रहे थे कि हमारे पास लेट्स से ए के नेबर्स ए हैं, एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और बी के नेबर्स को हम लोग एन ऑफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एन ऑफ बी, दिस शुड बी इक्वल टू एन एम टी, मतलब दे शुड नॉट हैव एनी थिंग इन कॉमन ना. तो हमारे पास जो है वो अगर देखें तो ए के नेबर्स हमारे पास एफ हैं, डी है, ई है, सी है, और बी के नेबर्स एच है, आई है, जे है, के है. ठीक है, ये हमारे पास नेबर्स हैं. तो अब ए के जो नेबर्स हैं, एन ऑफ ए को अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर सी डी ई एफ आ जाएंगे, और एन ऑफ बी को देखें तो हमारे पास एच आई जे के आ जाएंगे. ठीक है, अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लें तो कोई भी हमारे पास इसमें कॉमन नहीं है. ठीक है, अब अगर हम लोग ए और बी को रिमूव कर देते हैं तो क्या हमारे पास दो डिफरेंट कंपोनेंट्स बन जाएंगे या नेटवर्क के अंदर एक ही कंपोनेंट रहेगा? एक ही कंपोनेंट रहेगा. तो लोकल ब्रिज को रिमूव करने का इम्पैक्ट क्या होगा नेटवर्क पे? पाथ की लेंथ बढ़ जाएगी एक साइड से दूसरी तरफ जाने के लिए. एक्सीलेंट, जो हमारे पास पाथ लेंथ है वो हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी. जिस तरह अगर आपने सी से आई तक पहले जाना था लोकल ब्रिज की प्रेजेंस में, तो आप क्या करते थे कि सी से ए पे जाते थे, ए से बी, बी से आई पे चले जाते थे. अब जो है वो आपको सी से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई, अब आपके पास पाथ लेंथ जो है वो बढ़ गई है. ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो है वो लोकल ब्रिजेस जो होते हैं वो काइंड ऑफ आपके पास शॉर्टकट्स का काम दे रहे होते हैं. जब आप लोकल ब्रिजेस को रिमूव कर देते हैं तो आपके पास वो शॉर्टकट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं. अब आपके पास शॉर्टकट ख़त्म हो गया तो आपको लंबा रास्ता लेके जो वो जाना पड़ेगा. ठीक है, तो मुझे ये बताएं क्या
हर ब्रिज जो है वो लोकल ब्रिज होगा? नो सर, जरूरी नहीं है सर। ना सर, होगा होगा सर, होगा होगा, क्योंकि अगर हमारे पास जो है वो किसी ब्रिज के कोई नेबर्स हैं, उनमें अगर कोई हमारे पास जो है वो इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अगर नेबर्स ना भी हों, मतलब अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास ये कोई नोड एक्स है, ठीक है, और एक्स जो है वो हमारे पास यहाँ से कनेक्टेड है, तो अब ए के नेबर्स भी जो है इवन इस कंपोनेंट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हम लोग अब इसको ब्रिज नहीं कहेंगे, अब ए भी जो है वो हमारे पास ब्रिज नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि इसको रिमूव करने से हमारे पास डिस्टेंट कंपोनेंट्स नहीं होंगे। तो अगर हमारे पास जो है वो कोई भी ब्रिज है तो वो हमारे पास डेफिनेटली लोकल ब्रिज भी होगा। क्यों? क्योंकि लोकल ब्रिज की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास जो नेबर्स हैं उनमें कोई कॉमन नोड नहीं होगी, ठीक है, ए के नेबर्स और बी के जो नेबर्स हैं उनके बीच में कोई कॉमन नेबर नहीं होगा, उनके बीच में कोई एज नहीं होगा, ठीक है। तो यही हमारे पास प्रॉपर्टी लोकल ब्रिज की भी होती है, लेकिन जो ब्रिज होता है उसके ऊपर एक एडिशनल हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि ब्रिज को रिमूव करने से हमारे पास डिसजॉइंट कंपोनेंट्स बनेंगे। लोकल ब्रिज को रिमूव करने से हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि डिसजॉइंट कंपोनेंट बने। तो हमारे पास हर जो ब्रिज है वो हमारे पास एक लोकल ब्रिज भी होगा। लोकल ब्रिज के रिमूव करने से हो सकता है डिसजॉइंट कंपोनेंट्स बन जाए, हो सकता है ना बने, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास डिसजॉइंट कंपोनेंट्स ना बने, ठीक है, या बन जाए, दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है। बस ये है कि लोकल ब्रिज की डेफिनेशन यह है कि कोई कॉमन नेबर नहीं होगा, जो एच है उसके जो दो नोड्स हैं उसके बीच में कोई उनके नेबर्स हैं वो कोई कॉमन नेबर नहीं होगा। तो मुझे ये बताएं क्या हर लोकल ब्रिज एक ब्रिज होगा? नो सर। क्यों? नो सर, क्योंकि इसमें डिसजॉइंट की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो हमारे पास जो है वो अब ये इसको हम लोग ए बी को ब्रिज नहीं कह सकते, हालांकि ये लोकल ब्रिज है, इसको ब्रिज हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि ए बी को जब हम लोग रिमूव करेंगे तो हमारे पास डिसजॉइंट कंपोनेंट्स नहीं बन रहे, ठीक है। तो वी कम टू नो के एवरेज ब्रिज इज़ अ लोकल ब्रिज। आप ये कह लें कि जो लोकल ब्रिज है काइंड ऑफ थोड़ी सी रिलैक्स्ड डेफिनेशन है जो हम लोगों ने ब्रिज का कॉन्सेप्ट लिया था, बट नॉट एवरी लोकल ब्रिज इज़ अ ब्रिज, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ट्रैडिक लेयर और ये जो ब्रिजिंग का कॉन्सेप्ट है, काइंड ऑफ इसके अराउंड हम लोग जो है वो टाई स्ट्रेंथ की बात करेंगे। अब ए और बी दो नोड्स हैं, वो आपस में हमारे पास कनेक्टेड है, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो उनकी जो रिलेशन है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग या वीक भी तो कह सकते हैं ना। जिस तरह हम लोग ये कह सकते हैं कि जी हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन है, बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, ठीक है, लेकिन जो हमें वैसे ही कोई किसी से मतलब सलाम दुआ है, इतनी ज़्यादा गपशप नहीं है, फ्रेंकनेस नहीं है, तो उससे हमारे पास जैसे एक वीक टाई होगा, ठीक है। ऑफकोर्स ये हमारे पास कोई बाइनरी नहीं है कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग है वीक है, बीच में कुछ नहीं है, इसके बीच में भी हमारे पास बहुत से स्केल्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक लिंक जो है, एक एज जो है, एक टाई जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। जनरली हम लोग इसको दो उसमें जो है वो हम लोग डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो इससे हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, इफ़ अ नोड हैज़ एजेस टू, इफ़ अ नोड, इसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इफ़ अ नोड ए हैज़ एजेस टू नोड्स बी एंड सी, ठीक है, देन बी सी edge is likely to occur if A's edges to B and C are both strong ties, ठीक है। अगर A और B की हमारे पास बहुत strong हमारे पास tie है, बहुत strong relation है, और A और C की भी हमारे पास बहुत strong relation है, तो it is very likely कि हमारे पास B और C जो है उसकी हमारे पास आपस में relation establish हो जाए, चाहे वो strong हो या चाहे वो weak हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि B और C की भी strong हो, लेकिन हो सकता है स्ट्रॉन्ग रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाए ओवर टाइम, हो सकता है कि वीक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाए, लेकिन इट इज़ वेरी अनलाइकली। आप खुद सोचें ना, जस्ट थिंक ऑफ योर टू बेस्ट फ्रेंड्स, थिंक ऑफ योर टू मतलब बेस्ट फ्रेंड्स जो एक मतलब आपको आपके स्कूल कॉलेज के ज़माने से बड़े मतलब आपके अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सोच लिया आपने उन दोनों के बारे में? अब मुझे ये बताएं कि
कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि जो आपने दो बेस्ट फ्रेंड्स अपने सोचे हैं उन्हें उन दोनों को एक दूसरे का नाम भी नहीं पता? है किसी के साथ इस तरह? यस सर। नो सर, जो दो हैं वो आपस में भी बेस्ट फ्रेंड है। यस सर, मेरे भी कैसे एक एक यस आया था। यस सर। तो वो आपके बहुत पुराने दोस्त हैं दोनों? यस सर, दोनों बहुत पुराने हैं। ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते? जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब आपने जो आपके जो दोस्त हैं उनके साथ मोस्ट लाइकली आपकी बड़ी बहुत ज़्यादा आप फिर शायद बहुत ज़्यादा गपशप नहीं करते होंगे या बहुत ज़्यादा टाइम इकट्ठे जो है वो स्पेंड नहीं करते होंगे या आउटिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं करते होंगे। कॉलेज के बाद तो नहीं की। अरे गांव में हो, एक शहर में होगा। हाँ ये भी दोनों शहर के हैं, डिफरेंट एरियाज के होंगे। यस सर, डिफरेंट एरियाज से। एक यूनिवर्सिटी का होगा, कॉलेज का होगा। तो इसके अंदर ये कि फिर भी मतलब मेरा ये ख्याल है कि शायद आप लोगों ने आपस में जब बात की हो तो अपने जो सॉरी मतलब एटलीस्ट बाय नेम उनको जानते हो, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो भी हम लोग यहाँ पे 15 लोग बैठे हुए क्लास में, तो एक जो है वो एक हमें केस ऐसा मिला जिसके अंदर हमारे पास जो है वो जो दो बेस्ट फ्रेंड्स वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। मुझे एक सेकंड दीजिएगा प्लीज़।